अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को पालक चिकन के कबाब बनाना बताएंगे, जो शादियों में बहुत खाए जाते हैं। शादियों में ऑलमोस्ट ये कबाब रहते हैं। हमने बोनलेस चिकन ले लिए लगभग 1.25 किलो। उसमें हमने कट करके अदरक लहसुन और मिर्ची डाल दी है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिरी का पाउडर हमने ऐड कर दिया है इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, आधे घंटे के लिए उसे मैरिनेट होने देंगे। उसके उसी टाइम पे हम छोटा छोटा पालक को कट कर लेंगे, क्योंकि पालक के भजिए और अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना फाइनली चॉप है, तो हम उसे कट करके वॉश करके पानी अच्छे से निकाल लेंगे उसका। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि पालक के अंदर ऑलमोस्ट नमक होता है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, मकई का आटा 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे, चावल का आटा, राइस फ्लावर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना हम डाल देंगे काली मिरी का पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन, जो हमने आधे घंटे पहले मैरिनेट करके रख दी थी। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि पालक और चिकन एक हो जाए। और आप देख सकते हो पूरी एक हो गई है, मिला लिया है हमने। हम उसके अंदर डाल देंगे सिसेमी सीड, तिल हम डाल देंगे, आप ऑप्शनल है, वो बहुत अच्छे लगते हैं शादियों में, ऐसे तिल के साथ ही मिलता है। हमने तेल गरम करने रख दिया था। आपको ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, आप गोल भी बना सकते हो या थोड़े लंबे भी बना सकते हो। चिकन और पालक को लेकर गरम तेल में आपको हाई टू मीडियम फ्लेम पर उसे फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये चावल और कॉर्नफ्लावर के आटे से। आपको दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन कुक होने तक, और आपको गरम गरम उसे सर्व कर देना है। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है। घर पे आप ये बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।